हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर फोर, द लॉस्ट डॉल। द लॉस्ट माने खोना, तो डॉल खोई हुई गुड़िया। इन दिस पोएम we read how a girl got back her lost doll। इस पोएम में एक गर्ल की स्टोरी बताई गई है, जो क्या है, अपनी डॉल को खो देती है और फिर वो किस तरह उसे मिलती है। I once had a sweet little doll, dears, the prettiest doll in the world। Her cheeks were so red and so white, dears, and her hair was so charming curled। I once had a sweet little doll, dears। इसका मतलब है कि एक बार मेरे पास क्या है, एक छोटी सी सुंदर गुड़िया थी। इसमें ये गर्ल कहती है कि मेरे पास कहती है एक सुंदर छोटी सी गुड़िया थी। द प्रिटीएस्ट डॉल इन द वर्ल्ड, जो संसार में सबसे सुंदर डॉल थी। हर चीक्स वर सो रेड एंड सो वाइट, डियर्स। और फिर पोएट कहती है कि उसके चीक्स मीन्स गाल कैसे थे, बहुत वाइट एंड रेड, बहुत रेड थे और वाइट थे। एंड हर हेयर्स वॉज सो चार्मिंग कर्ल्ड, और उसके हेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आकर्षण करने वाले कर्ल, मतलब राउंड 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 थे उसके हेयर्स। बट आई लॉस्ट माई लिटिल डॉल डियर्स As I played in the heath one day, and I cried for her more than a week, dears, but I never could find where she lay। अब ये गर्ल बोलती है, but I lost my doll, dears, लेकिन मैंने क्या किया, एक दिन उसे खो दिया अपनी डॉल को। एज आई प्लेड इन द हीट वन डे, जब मैं खेल रही थी एक लोनली प्लेस पर, एक दिन में एक सुनसान जगह पर खेल रही थी, तो वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपनी डॉल खो दी। एंड आई क्राइड फॉर हर मोर देन अ वीक, और मैं उसके लिए एक हफ्ते से भी ज़्यादा रोई। But I never could find where she lay, लेकिन वो मुझे नहीं मिली जहाँ वो मुझसे गिरी थी, मतलब जहाँ पर उससे खोई थी उसे वे डॉल, वहाँ नहीं मिली। I found my poor little doll, dears, as I played in the heath one day, fox says she is terribly changed, dears, for her paint is all washed away। फिर गर्ल बोलती है कि मुझे वो डॉल मिल गई, प्रियो मुझे क्या मिल गई, उसकी डॉल मिल गई उसको। एज आई प्लेड इन द हीट वन डे, जब वो उसी जगह पर खेलने गई तो फिर उसे वो डॉल मिल गई। फॉक्स से शी इज़ टेरिबली चेंज, यस, लेकिन वो डॉल क्या हो चुकी थी, बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। फॉर हर पेंट इज ऑल वॉश्ड अवे, और उसका पेंट पूरी तरीके से धुल चुका था। यह गर्ल बताती है कि उसकी डॉल क्या है, उसे मिल गई थी, लेकिन कैसी मिली थी, बहुत बुरी ही हालत में, उसका पेंट पूरा कैसा हो चुका था, पूरी तरीके से वॉश्ड हो चुका था। एंड हर आर्म्स ट्रोडन ऑफ बाई द काउज,
tears, and her hair not the least bit curled. Yet for old shake, she is still, dears, the prettiest doll in the world. And her arms trodden off by the cows, dears. प्रियो, मेरी जो डॉल थी उसका क्या हो चुका था? गायों ने उसके आर्म्स को तोड़ दिया था, ठीक है? गायों के पैरों के नीचे आकर जो डॉल थी उसके क्या हो चुके थे? आर्म्स टूट चुका था. एंड हर हेयर्स नॉट द लीस्ट बिट कर्लेड, और उसके हेयर्स अब कर्लेड नहीं थे. येट फॉर ओल्ड सेक्स शी इज स्टिल डियर्स, लेकिन वो अब भी थी द प्रिटीस्ट डॉल इन द वर्ल्ड. कैसी प्रिटी, सुंदर डॉल थी, संसार में सबसे सुंदर डॉल थी. तो आपने पढ़ा कि किस तरह जो पोएट है वो बताता है कि एक डॉल, एक गर्ल थी, उसकी एक डॉल थी जो उसे कैसी लगती थी, संसार में सबसे प्रिटीस्ट डॉल लगती थी उसको. उसके बस रेड और वाइट थे और उसके हेयर कर्लेड थे. एक दिन वो डॉल क्या हो जाती है, उस गर्ल से खो जाती है और उसे वो नहीं मिलती, जिसके लिए वो क्या है, एक हफ्ते तक रोती है. फिर एक दिन उसे वो डॉल वहीं पर आसपास कहीं उसी सुनसान जगह में मिल जाती है जहाँ पे वो पहले खेली थी. लेकिन अब उसकी हालत कैसी होती, बहुत ही बुरी होती है और वो पूरी तरीके से धुल चुका होता है उसका पेंट, और उसका जो हाथ होता है वो टूट चुका होता है, और उसके हेयर्स भी अब कर्लेड नहीं है. लेकिन फिर भी वो उस गर्ल के लिए कैसी थी, सबसे प्रिटीस्ट डॉल थी अब भी संसार में.